students so after the completion of your third chapter understanding quadrilaterals let's proceed to next chapter chapter 4 it is practical geometry okay ab is chapter mein kya study karenge zara aap recall kijiye apna 7th standard okay 7th stand mein aapne triangles related do concepts study kiye the theek hai congruence of triangles study kiya tha properties of triangles study kiya tha और इसके तुरंत बाद फिर chapter आया था practical geometry, जिसमें आपने triangles का construction study किया था okay? इन द सेम वे यहाँ पे आपका सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्वार्टर लेटर्स कम्प्लीट हुआ है और अंडरस्टैंडिंग क्वार्टर लेटर के बाद तुरंत आपका प्रैक्टिकल जोमेट्री स्टार्ट हो रहा है तो इसमें आप क्या स्टडी करोगे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वार्टी लेटर ओके द वॉट इज क्वार्टर लेटर इट इज़ अ फोर साइडेड पॉलिकॉन ओके सपोज ये एक क्वार्टरी लेटरल है यू आर हैविंग दिस क्वार्टर लेटर इन दिस क्वार्टर लेटर यू आर हैविंग फोर साइड्स ए बी सी डी ओके सो यू आर हैविंग साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए यू आर हैविंग एंगल्स एंगल्स में एंगल ए आएगा एंगल बी आएगा एंगल सी आएगा और एंगल डी आएगा ओके यू हैव फोर साइड यू हैव फोर एंगल्स बिसाइड दिस यू हैव टू डायगोनल्स वन डायगोनलिस्ट बी डी एंड अदर डाइगोनलिस ए सी ओके सो यू हैव डायगोनल्स यू हैव डायगोनल्स डायगोनल्स ऑफ ए सी एंड बी डी क्लियर सो इन अ क्वार्टर लेटर इन ऑल यू आर हैविंग टेन मेजरमेंट्स अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको क्या चाहिए आपके पास दस मेजरमेंट्स है दस मेजरमेंट में ए बी है बी सी है सी डी है डी ए है चार साइड्स हो गए देन चार एंगल्स एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी ठीक है एंड टू डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इन ऑल टेन मेजरमेंट्स ओके अब क्वार्टर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको 10 के 10 ये मेजरमेंट्स नहीं चाहिए ओके okay? कुछ ही मेजरमेंट्स है अगर उतने हमारे पास है देन वी कैन इजिली कंस्ट्रक्ट द क्वाटरलाटल सो आउट ऑफ दिस टेन वी नीड ओनली फाइव मेजरमेंट्स ओके वी नीड ओनली फाइव मेजरमेंट्स अगर हमारे पास पांच मेजरमेंट्स है देन वी कैन इजिली कंस्ट्रक्ट द क्वाडरलैटल ओके अब ये क्या हो सकते हैं क्वाडरेटर कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर गिवेन पहला केस फोर साइड्स एंड वन डायगोनल आर नोन अगर हमें क्वार्टर के चारों साइड्स और एक डायगोनल इनके लेंथ पता है तो हम इजीली क्वार्टरलेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ओके वी शुड नो वन डायगोनल एंड फोर साइड्स दूसरा है थ्री साइड्स एंड टू डायगोनल्स दूसरा है तीन साइड और दो डायगोनल्स यदि हमें पता है तो ओके यदि तीन साइड्स और दो डायगोनल्स इनके लेंथ हमें पता है दोनों डायगोनल की लेंथ पता है और तीन साइड्स की लेंथ पता है वी कैन ईजिली कंस्ट्रक्ट अ क्वार्टरलाटल ओके दो एडजस्ट साइड्स और तीन एंगल्स पता है तो भी हम इजिली क्वार्टर लाइटर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वी कैन इजिली कंस्ट्रक्टर क्वार्टर लैटर इफ टू एडजस्टन साइड एंड थ्री एंगल्स आर नोन फोर्थ है थ्री साइड एंड टू इंक्लूडेड एंगल्स आर नोन तीन साइड पता होने चाहिए और तीन साइड से दो इंक्लूडेड एंगल ये हमें पता होने चाहिए ओके अगर हमें ये पता है वी कैन अगेन इजीली कंस्ट्रक्ट क्वार्टर लैटल एंड द लास्ट इज अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन अगर बाकी स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें पता है तो भी हम क्वार्टर लैटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अब ये बाकी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ क्या है सपोज आपको दिया है कि आपको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है ठीक है जिसका साइड है फोर सेंटीमीटर ठीक है और डायगोनल की लेंथ है फाइव सेंटीमीटर अगर आपको ये दिया हुआ है तो क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आंसर इज यस ओके अब आप कहोगे साइड फोर सेंटीमीटर दिया और डायगोनल फाइव सेंटीमीटर दिया है हमारे पास मेजरमेंट तो सिर्फ दो ही है करेक्ट लेकिन हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे प्रॉपर्टी क्या कहती है प्रॉपर्टी ये कहती है कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल है तो अगर यदि हमें एक साइड फोर दिया है इसका मतलब बाकी तीन साइड ये भी लेंथ कितनी है फोर 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 इन शॉर्ट हमें चार साइड्स पता हैं और एक डायगोनल की लेंथ पता है ओके वी नो डैट अगर हमें यह कहा जाए कि रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसका एक साइड सेवन सेंटीमीटर और दूसरा साइड फोर सेंटीमीटर है अगर ये दिया हुआ है तो क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आंसर अगेन इज यस क्योंकि वर्ड रेक्टेंगल आ गया रेक्टेंगल आ गया इसमें दो साइड्स आपको दिए ही हुए हैं और बाकी चारों अंदर के इंटीरियर एंगल्स जो रहते हैं वो नाइन्टी डिग्रीज रहते हैं सो वी अल्टीमेटली कम टू दिस टू एडजस्ट साइड्स एंड थ्री एंगल्स आर नोन मतलब जब हम इस केस में आएंगे इस केस में क्वार्टरलेटर्ल्स इनमें से कोई ना कोई रहेंगे और दूसरा इनके प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग क्वार्टरलेटर्स पैरोग्राम के प्रॉपर्टीज पता है हमें काइट के प्रॉपर्टीज पता है बिनो द ऑफ ट्रेपेजियम द तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रेक्टेंगल एंड रोम्बस ओके तो इन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज में आपको प्रॉपर्टी दी रहेगी उस प्रॉपर्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे ठीक है स्क्वायर वर्ड आ गया चारों साइड इक्वल हो गए चारों एंगल्स गए दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हो गए ओके एंड डायगोनल्स ऑफ परपेंडिकुलर आल्सो जब हम रोम्बस की बात करेंगे चारों साइड्स इक्वल है और डायग्नोस जो है वापस में परपेंडिकुलर है तो इस तरह से कुछ ना कुछ हमें कॉन्सेप्ट यूज करके हमें क्वाड्रल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा तो ध्यान रहे अगर हमारे पास पांच चीजें दी हुई है देखिए फोर प्लस वन फाइव थ्री प्लस टू फाइव टू प्लस थ्री फाइव थ्री प्लस टू फाइव अगर पांच चीजें दी हुई है चार साइड चार एंगल्स और दो डाइंगल्स दस दस में से पांच चीजें दी हुई है वी कैन इजली कंस्ट्रक्ट द क्वार्टर लैटर ओके सो नाउ क्विकली वी मूव टू द फर्स्ट पार्ट फोर साइड एंड वन डाइंगल नोन एंड वी मूव टू एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन प्लीज नोट इट डाउन